पझोता कॉलेज में आयोजित हुआ सिरमौर जिला का दो दिवसीय इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल हाबी मानसिंह कला केंद्र जालक में किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन जनरल नॉलेज क्विज में राजगढ़ कॉलेज फर्स्ट रहा तो संगड़ाह व शिलाई महाविद्यालय ने हासिल की सेकंड पोजीशन। पद्मश्री विद्यानंद सरेख ने मौजूद छात्रों को दी सिरमौरी लोक नृत्यों पर जानकारी। दो दिन तक चले हुए महोत्सव के दौरान सिरमौर जिला के 13 महाविद्यालयों के छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। उपमंडल राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले राजकीय महाविद्यालय पझोता में दो दिवसीय इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सिरमौर जिला के 13 महाविद्यालयों के पार्टिसिपेंट शामिल हुए। स्थानीय डिग्री कॉलेज व प्रतिभा स्पंदन समिति शिमला के सौजन्य से पझोता में मौजूद हाबी मानसिंह कला केंद्र में दो दिन तक यह इवेंट चला। उपलब्ध रिजल्ट्स के मुताबिक जनरल नॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन में जहां राजगढ़ महाविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा, वहीं संगड़ाह व शिलाई कॉलेज की टीम ने सेकंड पोजीशन हासिल की। भाषण प्रतियोगिता में पौंटा साहिब कॉलेज की रेशमा फर्स्ट पोजीशन पर रही तो शिलाई की रंजना व संगड़ाह कॉलेज की रूपाली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। काव्य पाठ में पीजी कॉलेज नाहन प्रथम तथा संस्कृत कॉलेज नाहन दूसरे स्थान पर रहा, जबकि युवा संवाद में नाहन फर्स्ट तथा नौराधार व शिलाई कॉलेज दूसरे स्थान पर रहे। ऑनलाइन कार्टून कॉम्पिटिशन में नाहन व राजगढ़ तथा नारा लेखन में शिलाई व नाहन कॉलेज प्रथम व दूसरे स्थान पर रहे। निबंध लेखन में नाहन व कफोटा कॉलेज क्रमशः फर्स्ट व सेकंड पोजीशन पर रहे तथा इसके अलावा पोस्टर मेकिंग व कोलाज जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य प्रकाश शर्मा ने युवा महोत्सव में शामिल हुए सभी छात्रों व शिक्षकों का आभार जताया और आयोजन स्थल उपलब्ध करवाने के लिए मानसिंह कला केंद्र के संचालक का भी धन्यवाद किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में मौजूद पद्मश्री पुरस्कार विजेता विद्यानंद सरायक ने मौजूद छात्र छात्राओं को सिरमौरी लोक विधाओं और नाटी लोक नृत्य की अलग अलग शैलियों पर जानकारी दी। राजकीय महाविद्यालय पझौता ने वर्ष 2021 में एक जिला स्तरीय युवा महोत्सव के आयोजन की परंपरा शुरू की थी, जिसका उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना है और उनमें हिंदी की मानसिकता का विकास करना है। तो इसमें हम विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। इस क्रम में ये तीसरा ऐसा प्रयास था और तीसरा ऐसा वार्षिक आयोजन था, और हमें खुशी है कि इस वर्ष सिरमौर ज़िले के 13 महाविद्यालयों ने बढ़ चढ़ करके सभी प्रतियोगिताओं में भागीदारी निभाई है, और हम उम्मीद करेंगे कि हम आगे आने वाले समय में भी ऐसे आयोजनों की श्रृंखला को प्रारंभ कर सकें। मेरा नाम धर्म देवी है और मैं इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, करंटली पोस्टेड एट GDC नोहरादा, और मैं अपने साथ 6 गर्ल्स को फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट कॉलेज पझोता में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ कॉम्पिटिशन है उसमें लेके आई हूँ, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। बहुत बढ़िया रहा हर एक चीज़। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे आयोजित किए गए हैं, जिसमें हमने डिबेट में सेकेंड प्राइज हमने जीता है, और हमारे लिए काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि दो फर्स्ट ईयर के हैं और बाकी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, और इनके लिए भी नया है ये कार्यक्रम जो हमारा था, जिला स्तरीय कार्यक्रम जो हमने दो दिवसीय कार्यक्रम ये करवाया। इसमें पूरे जिला सिरमौर के 14 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से लगभग 150 के आसपास प्रतिभागी हमारे पास पहुंचे। हमने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे कि कोलाज मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, एसे राइटिंग और कविता पाठ, भाषण और क्विज की प्रतियोगिता हमने करवाई, जिसमें कि हम समझते हैं कि जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे आए थे वो बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए थे। हाँ, सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के छाप तिलक